निश्चित रूप से इस जो सड़कों का बड़ा जाल न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि देश भर में जो बनाया फैलाया जा रहा है, जरूर हमको आप एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क देकर जाएंगे। मैं आज रमेश कौशिक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी लगातार पीछा किया और आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा तो हरियाणा में 2,00,000 करोड़ के काम चले पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। आज उन्होंने फिर मांग की है और 10-12 नए आरओबी के नाम वो भेज दें, मैं 300 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। हमारे मिड्डा जी ने जिन विधानसभा क्षेत्र में बाईपास नरवाना रोड से रोहतक तक जुलानी इक्का शहर के रिंग रोड का निर्माण करने के बारे में मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि करीब 1700 करोड़ रुपए का ये 35 किलोमीटर रिंग रोड, ये परियोजना, ये भारतमाला परियोजना के फीडर मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो शामगढ़ गांव NH 44 से शुरू होकर बरोटा गांव MBR 115 तक होती है। इस स्टेज के विकास से करनाल शहर की भीड़ कम होगी और वाहन चलाने की लागत भी कम होगी। ये देश बदल रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रगति और विकास की ओर हम दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। ये जो पद हमको मिला है ये हमारे कर्तृत्व के कारण नहीं मिला, ये जो पद हमको मिला है ये आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान किया है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, देश बदलना है, ये मकसद है। आज हम सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमारा विश्वास है और हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और जुडिशरी, ये 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की माता है और एक दिन हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को दुनिया की ताकत बनाएंगे। वीर जी के आग्रह के कारण आज करीब 1200 करोड़ रुपए का ये अंबाला का रिंग रोड मंजूर हो रहा है। मैं इसलिए अनिल वीर जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।